कुछ रीत जगत की ऐसी है। तुम लोगों का अच्छा है सुरभि, ना दहेज वहेज का चक्कर, ना दुनियादारी या रीत रिवाज का डर। ज्यादा से ज्यादा चाहिए क्या, बस थोड़ा सा चारा और पानी और कभी कभी थोड़ा सा गुड़। प्यार समझते हो और प्यार देना जानते हो, लेकिन प्राणी में से जब से सामाजिक प्राणी बना है ना, तब से ये इंसान तो अपनी सादगी ही भूल गया है। बस बस, सुरभि के कान भरना बंद कर दे, समझी? उसे भी पता है कि तू गलत है ना सुरभि? हाँ, बस ले, तू भी इसी का पक्ष ले। तेरी तरह ये भी घर में बैठी रहेगी ना, तब पता चलेगा। जमीले नंदिनी, तू नहीं खाएगी तब तक तेरे मामा नहीं खाएंगे, और वो नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं खा पाऊंगी। संस्कार निभाने में एसिडिटी हो जाती है मुझे। ले। वरना लोग कहेंगे मणि ने पति और ननन के अनाथ बच्चों को भूखा रखा। हाँ, उन्हीं को खिला, तेरे मामा को। वो तो खा रहे हैं, देखो। अब हमारी मणि मामी नहीं आ रही। खा लो मामी, नहीं तो लोग कहेंगे ननन की अनाथ बेटी ने अपनी मामी के एहसानों के बदले एसिडिटी दे दी। बहुत सारू हाँ चपली, तू भी खा ले। अरे सुन, हेताबा के पैरों में दर्द है, दवाई लगा कर आ जा। ये थाली मुझे दे दे। वाह वाह वाह, क्या सब्जी बनी है सेव टमाटर की। ए नंदू, तू भी खाना खा ले। मामी, मैं हेताबा के पैरों में तेल लगा कर आती हूँ, फिर खाती हूँ। हाँ हाँ, कुछ लोगों को बहुत नखरे होते खाने में, लेकिन मेरे हाथ में तो जादू है जादू। हाँ हाँ, पानी पियो पानी। मैंने कहा भी कि मैं मालिश कर देता हूँ, पर नहीं, बाप को तो नंदिनी चाहिए। नंदिनी के हाथों में जादू है केम? मामा, हाँ? ये आपने गलत किया हमारे साथ। क्या? हाँ मामा, आपने कहा था कि आप मेले में लेके जाओगे, आपने प्रॉमिस किया था। मामा, ये चीटिंग है। अब मैंने किया था छोकरा, मैंने प्रॉमिस किया था, पर अभी भावनगर जाना पड़ेगा, जरूरी काम आ गया है। हाँ हाँ, तू जा पहला काम पे ले। और मेले में? मेले में मैं ले जाऊंगी खुश। हाँ नंदिनी, कल सुबह तू दोनों को ले जाना। अरे मौज मजा करेंगे, तभी तो नानी का घर याद रहेगा ना, है? चलो हो गया, हाँ तुम्हारा सेटिंग हो गया, नंदिनी मासी लेके जाएगी तुमको मेले में, बराबर जे? ओके चलो जाओ, अबे सुई जाओ फटाफट, वेल्लू उठवानु जे। जय श्री कृष्णा नानी भाई। जय श्री कृष्ण बेटा। चल बा, मैं भी निकलता हूँ। चल जय श्री कृष्ण। हाँ संभाली इन चीजों। हाँ हाँ, और नंदिनी मुझे कोई और पसंद है। तो आप विशाखा को देखने आए क्यों? देखने आया, तभी तो वो लड़की पसंद आई मुझे। मेहुल भाई, आपके उपलेटक की बेटी नंदिनी। शू काका है नीचे घर पे? हाँ ठीक है, चलो आओ आओ जो। हाँ हाँ, मेहुल ने बताया मुझे विशाखा के घर जो हुआ वो। सबने डांट दिया है, अब आपकी बारी, आप भी डांट दो। वैसे तूने कुछ गलत नहीं किया है दिकरी, जिस चीज के लिए हमारे पास कोई तर्क नहीं होता उसे परंपरा का नाम दे देना, ये पुरानी आदत है, सदियों पुरानी रीत है। अनहेताबा, रीत का पुराना होना नहीं, सही होना जरूरी है, वरना ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई। क्या हुई? एक मिनट आजो। 1961 में 1961 में
कानून बना था कि दहेज लेना या देना अपराध है, फिर भी रीत रिवाज के नाम पर आज तक ये गुनाह हो रहा है। भेंट कह लो, बेटी को दिया हुआ स्त्री धन कह लो, बेटी को दिया हुआ आशीर्वाद कह लो, है तो दहेज ही ना। सदियों पुरानी आदत है, जाते जाते थोड़ा समय लगेगा। तूने बात तो बड़ी समझदारी की दिख रही, पर गलत तरीके से की, गलत लोगों से की। ये बेस के आगे भागवत नहीं करते। पर हेता बा, अगर हम चुप रहेंगे तो समाज में बदलाव कैसे आएगा? और कितनी ज्योति सविता और सुरभि को बलि देनी होगी इस रीत को बदलने के लिए। बिक्री, बदलाव से डरता है समाज, समझता नहीं कि बदलाव एक चुनौती जरूर है पर एक मौका भी तो है कुछ नया करने का, पुराने में कुछ नया खोलने का। हिताबा, समाज हमसे बनता है, एक एक पेड़ से पूरा जंगल बनता है। अगर हमें इस समाज को, इस रीत को बदलना है तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। तूने पहल करके बहुत अच्छा किया, बस याद रहे सवाल उठाओ तो भी ऐसे इस सामने वाले की इज्जत बनी रहे। कभी कभी जवाब से ज्यादा नुकसान सवाल करता है। अब जा, कल सुबह मेले में भी तो जाना है, हैं? जाओ। जय श्री कृष्ण। मामी हूँ आवी गई, कल मुझे मेले में मोंटू और सोनू को लेकर जाना है। शुदा, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेहुल भाई का फोन आया था। हाँ, वो तो अभी अभी निकले ना भावनगर के लिए। मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं हुई होगी इसलिए भावनगर के लिए निकल गया। वो आज नरेन से भी मिला था। भर दी उसकी झोली दहेज से, मान गया वो शादी के लिए। हाँ, नरेन शादी करेगा नंदिनी, पर विशाखा से नहीं, तुझसे। क्या वो मुझसे? अरे देखने आया था विशाखा को और पसंद कर रहा है हमारी नंदू को, ये भी कोई बात हुई? और जाओ लड़के के सामने और खड़ी रहो झंडा लेकर। अरे हितेश भाई और शीतल बहन को क्या जवाब देंगे? जवाब वो नरेन दे, बहना क्यों जवाब देगी? और मामी, बहना झंडा लेकर खड़ी रही ना तब जाकर उस लड़के की असलियत पता चली है। तू तो चुप रह जे दोड़ो। पर मामी। शू मामी, हितेश भाई को ऐसा ना लगे कि तूने जानबूझ के विशाखा का रिश्ता तोड़वाया ताकि बड़े घर में तेरा रिश्ता हो सके। अरे तुम भी ना, तुम्हारा दिमाग अलग ही दिशा में चलता है। बस आप तो रहने ही दीजिए। नरेन ना वजह से कितना झगड़ा था इसे, उसे तो मैं सबक सिखाती हूँ। अरे जो जो इस लड़की का गुस्सा है ना नाक पे ही रहता है, आपने ही सिखा सिखा के ये हाल किया है। अरे चुप रहना भी सिखाइए अपनी लाडली को, अब मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके मनाओ। भगवान, छोकरी नु शू थसे कोने खबर। चारा खा के कंटाला नहीं आता? मुझे तो ना ये रोज का आरडीबीएस खा के बहुत कंटाला आता है। आरडीबीएस समझती है? रोटी दाल भात शाक, तेरी तो लाइफ मस्त है।
चल तू खा, तुम्हारा काम बताओ। धीरूबेन पटेल की किताब। मामा, मामा, आपने? ये ले। कब लाए? कल। कल लाए तो आज क्यों दी? कल देते ना, कल ही पढ़ लेती। दुर्वि, पूछ जरा इससे। कल समय था इसके पास, हैं? दिन भर दिए दहेज विरोधी आंदोलन में बिजी थी बेनबा। बुक्स पढ़ने के साथ साथ बीर खाना अच्छा लगता है। आपको सब याद रहता है। बेटी जो है तू मेरी, तेरी पसंद ना पसंद याद नहीं रहेगी। किताबें पढ़ने का शौक माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। घर में बैठे बैठे किताबें दुनिया की सैर कराने का जरिया है बेटा। तू तो डॉक्टर बनना चाहती थी, तेरा वो सपना तो पूरा नहीं कर पाया। कम से कम इतना तो करूं। मामा, आपने हमारे लिए जो किया, जितना किया, वो बहुत है। डॉक्टर ना बन सकी ना सो, नर्सिंग का कोर्स तो कर सकती हूँ ना। और मेरा इरादा हमेशा से यही था कि मैं लोगों की सेवा करूँ। वो तो किसी भी प्रोफेशन में रहकर किया जा सकता है ना। तो तू ये नर्सिंग कोर्स की फीस कितनी होती है ये पता करके मुझे बता। मैं पता कर लूंगी, लेकिन आपको अभी से बता रही हूँ, मेरे नर्सिंग कोर्स की फीस मैं खुद भरूंगी। आप नहीं भरेंगे, आप टेंशन भी नहीं लेंगे। मेरे डांस क्लास चलती है, बच्चों का ट्यूशन चलता है, उससे जो पैसे आएंगे ना उससे फीस भरूंगी। अरे तुम्हें सुख करो चाहिए ना, स्कूल जाओ, टीचर को बच्चों से पहले पहुंचना होता है। ऊपर ऑफिस जाऊँ छू, पता है तेरा ऑफिस। अच्छा सुन, अंधेरा होने से पहले सीधा घर आना बेटा, ठीक है? चल ध्यान रखना। आज तो मुझे भी ऑफिस में बहुत काम है। नंदिनी की स्कूटी? हेलो, ये ऐसे पेड़ के ऊपर बैठ के बुक कौन पढ़ता है? तुमसे मतलब? तुम अब तक यही हो, गए नहीं यहाँ से? नहीं। रुको, तुम्हारा हिसाब ना मैं अभी करती हूँ। अब संभाल के इधर आना। मैं ये मेहुल भाई के सामने क्या उठपटांग प्रस्ताव रखा है तुमने? हाँ, हिम्मत ज्यादा नहीं आ गई तुम्हारे अंदर? उस बेचारी विशाखा के साथ रिश्ता तोड़कर तुम मेरे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो? कान खोली ने सांभड़ी लेजे। हेलो दीदी, हम वेट कर रहे हैं, मेले में जाना है ना हमको? अरे हाँ, मेले जाना है, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बुक पढ़ने में यहाँ पे रह गई, अभी बस 5 मिनट में आ रही हूँ। ओए सुनो, अभी तो मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है इसलिए तुम बच गए। अगली बार ना उपलेटा मत आ, और अगर आओ तो अपनी शक्ल हरकत मत दिखा, समझे? इजी टफ को एक नंबर नो। ईश्वर भाई नमस्ते। नमस्ते, माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं मैंने।
मैं पराग कानाबार। आपकी खेत की जमीन की नीलामी के वक्त बोली लगाने आया था। दरअसल हमारे साहब जी मालिक अर्जेंट खीमजी को आपकी वो खेत की जमीन आज भी बहुत पसंद है, इसीलिए साहब जी मालिक आपकी वो जमीन दुगना भाव देकर खरीदना चाहते हैं। मुझे वो किसी भी कीमत पर नहीं बेचनी। ईश्वर भाई आओ, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा फोन नंबर और एड्रेस है। कभी आगे आपको अपनी खेत की जमीन बेचनी हो तो सबसे पहले हमारे साबजी मालिक को याद कीजिएगा। और अगर आपको ये दो गुना कम लग रहा है तो मैं तीन गुना के लिए साबजी मालिक को कन्विंस कर सकता हूं। सोच लीजिएगा। मासी, इधर आओ ना, ये डार्ट खेलते बहुत मजा आएगा। अच्छा भैया कितने का एक? 40 के एक। अच्छा ठीक है, चलो पहले आप। नहीं नहीं, तुम लोग अरे प्लीज खेलो ना। हाँ अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट। एक और बार। अरे अच्छा मुझसे नहीं हो रहा, तुम लोग खेलो। ये ले। दीदी हमसे तो हो ही नहीं रहा है, आप ही फिर से ट्राई करिए। दे मुझे। ये लीजिए। चलो ए, चलो चलो चक डोट मारते। नहीं नहीं दीदी, वो बहुत बड़ा है, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत डर लगता है, और ये जब नीचे आता है ना तब पेट में कुछ अजीब सा होता है। रे उसी का तो मजा। चलो नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आप जाओ, हम लोग यहाँ पे जंप करेंगे, बहुत मजा आएगा। पर नहीं डर को। अच्छा ठीक है, लेकिन दोनों मुझे यही मिलना। ठीक है आप जाओ और हम लोग यहाँ पे जंप करेंगे। बाय बाय। ये एक टिकट। डार्क गेम में दिख रहा था, यहाँ तक तो ठीक था, ये सेल्फी में कहाँ से आ गया? आप यहाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई? नीचे उतारो। अरे मेरी बात तो सुनिए। मुझे आपकी कोई बात ही नहीं सुननी है। देखिए आप घबराइए मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। देखिए मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे लेकिन पहला रोको, अरे आप ऐसे मत करो, चिल्लाइए मत, लोग गलत समझेंगे। आप इसे बैग कैसे गए? आप मुझे परेशान। अरे लोग गलत समझेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं आपको छेड़ रहा हूँ। एक मिनट देखिए आप शांति से मेरी बात। ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, मुझे नीचे उतारो। अरे मैं आपको परेशान कहाँ कर रहा हूँ? माफ कर रहे हैं। चक्कर में चढ़ कैसे गए? टिकट देके। अच्छा अच्छा रुकिए। नीचे उतारो। हाँ रोक रहे, रोक रहे। नीचे उतारना है। अरे रोक रहे, एक मिनट। नंदिनी मेरी बात तो सुनिए, देखिए आपको परेशान करने। अरे काका सामना छो, ये लड़का ना राजकोट से है और ये मुझे छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, देखो इसको।
अरे आप क्या बोल रही नंदिनी? अरे मैं कोई परेशान नहीं कर रहा भैया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अरे नहीं नहीं, अरे रुक, अरे नहीं, मैं किसी को मार मार को मार को, अरे क्या कर रहे हो? छोड़े दीदी, अब ठीक हो ना? वन टू चल, अब ठीक हो ना? हां मैं ठीक हूं, चलो। चकडोर में आके मेरे साथ बैठ गया, हिम्मत तो देखो, तो पीछे ही पड़ गया मामा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हो हाय हाय, मतलब वो मेले तक तेरे पीछे आया? ये नरेन तब से उपलेटा में कर क्या रहा है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। मणि मामी, मेले में लोगों ने जो धोपटा है ना उसे, वो तो सुमन और मोंटू मेरे साथ है, नहीं तो मैं भी उसे दो ढोल मारती। आने दो इस बार मेरे सामने, तो मैं ना बस बस चलो, खाना तैयार है, आओ सब लोग। हाँ आई मामी, आओ। ताड़ी काड़ू चु मामा। मामा ये वही है, राजकोट वाला नरेन रतन सिंह। क्या भाई, क्या चल रहा है? घर तक पहुंच गया तू? बोरे नरेन भाई, मैं नंदिनी का मामा, उसका गार्जियन। आप अच्छे और संस्कारी घर के लड़के हैं, ये जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है ये ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता आपको, दोनों परिवारों का नाम बिगड़ रहा है। आपसे निवेदन, आप प्लीज यहां से चले जाइए। मामा आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं इसकी? तो मितेश, मैं बात कर रहा हूं ना, कर रहा हूं ना मैं बात। मेले में मैंने आपकी भांजी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। क्यों सुनूं? क्यों सुनूं मैं आपकी बात? मेले में इतनी मार खाई आपने, उसके बाद भी इस हालत में यहां तक चले आए। अगर आप मेरी बात सुन लेती तो इस हालत में मुझे आपके घर आना नहीं पड़ता। मैं नंदिनी, देखिए मैंने मेहुल भाई को सब कुछ बताया था, अब मुझे ये नहीं पता कि मेहुल भाई ने आप लोगों को बताया। उन्होंने, उसी की तो मौका है पूरी। आप मुझे बोलने देंगी प्लीज? दरअसल बात ये है कि मैं ना यहाँ शादी का प्रस्ताव लेके, शादी का प्रस्ताव विशाखा के लिए आया था, और वो आपको पसंद भी थी, ये बात शायद आप भूल रहे हैं, और उनका परिवार आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार है, तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों आप नंदिनी के पीछे पड़े हुए? क्यों उससे शादी करना चाहते हैं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.